सो हेलो गाइज, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। और मैं आपका दोस्त शुभम स्वामी, और आज हम फिर से आगे का पार्ट पढ़ेंगे फ्यूल्स का। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था फ्यूल्स का इंट्रो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रुप फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते गए। ठीक है, HMM PL में इलेक्ट्रॉनिक्स की KT क्लियर करो, जो हमारा शॉर्टकट था। ठीक है, और अब हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यूज के बारे में। ठीक है गाइज, सो बेसिकली जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में कैलोरी क्या होती है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और हाई कैलोरीफिक लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस को हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, तो बेसिकली इसको GCV या HCV भी कहते हैं, और लो कैलोरीफिक वैल्यू को नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो बेसिकली डेफिनेशन HCV या GCV की, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन आर कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर यूजुअली एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली इतना लंबा चौड़ा मैंने डेफिनेशन पढ़ा, लेकिन इसका मतलब क्या है बनता है। तो बेसिकली इसका यही, एक सेकेंड गाइस, तो बेसिकली इसका यही है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट, जैसे समझो ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ये हमारा फ्यूल है। ठीक है, और हमने इसको लगा दिया ऊपर से ढक्कन। ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली जब आप फ्यूल को हीट करोगे, ठीक है, तो जो इसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जब यूनिट मास, बोल दिया हमने, एक यूनिट मास का फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे कंप्लीटली, और जो कंबशन के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जैसे वेपर्स बाहर आएंगी, वो जब इससे टकराएगी, आखिर ये क्लोज कंटेनर है, तो टकरा के जब वो कंडेंस हो जाएगी और जब नीचे आएगी, तो हीट प्रोड्यूस जो होगी उसे ही कहते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो यही था इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन का। एक सिंपल सा बात कि हमने जो एक फ्यूल लिया, उसको बर्न कंटेनर में अगर हीट किया, तो कंडेंस होते वक्त जब हम उसको कूल डाउन करेंगे बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उनके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन से जब कूल डाउन होते वक्त, उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे LCV का डेफिनेशन। तो बेसिकली LCV या NCV क्या है, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ये है क्या, तो ये कुछ नहीं है, सेम चीज है कि अगर हमने फिर से एक कंटेनर लिया और उसमें एक फ्यूल लिया, ठीक है, बट इस बार हम उसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसको खुला ही रखेंगे, बट हम उसको हीट देंगे, हीट करेंगे, तो जो कंबशन का प्रोडक्ट है, जो वेपर की तरह बाहर बह जाएगा, बाय प्रोडक्ट्स एस्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो उसको ही बोलते हैं LCV और NCV। ठीक है, तो लो कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तो दैट इज व्हाट द हीट जो प्रोड्यूस होगी यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करने के बाद, जब उसके कंबशन के प्रोडक्ट सेटल हो जाएंगे नीचे आते वक्त, बट जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो हम इस बार एस्केप करने दे रहे हैं बाहर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, टू एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, तो उसको कहते हैं LCV और NCV। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस यहाँ पे, कि इफ फ्यूल, ऑब्वियसली जो वेपर बाहर बन रहा है वो फ्यूल पानी या वाटर होगा, तभी वो रिलीज आउट हो रहा है या वो कंबशन होके वापस बैठ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है कंबशन का, तो अगर फ्यूल में हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, अगर फ्यूल में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये याद रखना कि HCV का वैल्यू LCV के इक्वल होता है, ठीक है, क्या होता है, LCV का वैल्यू HCV के इक्वल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू LCV और HCV के क्या है, वो इसके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बेसिकली HCV और LCV को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब डुलोंग करके एक बंदा था जिसने ये फॉर्मूले दिए, ठीक है, तो डुलोंग क्या बोलता है कि HCV को कैसे कैलकुलेट कर सकते अपन, 1/100 ऑफ सी प्लस 34500 ऑफ हाइड्रोजन माइनस, ये जीरो नहीं है बंटा, ये याद रखना, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, मैं तो गलती से लिख दोगे कि शुभम ने बोला था जीरो है, तो ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 0/8 ऑक्सीजन का वैल्यू प्लस 2240 सल्फर, ठीक है,
तो बेसिकली ये जो सी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर होगा ये परसेंटेज में आपको दिया रहेगा, ठीक है, सम के क्वेश्चन में। वहीं एनसीवी या एलसीवी का फॉर्मूला क्या है, जीसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। ऑब्वियसली जहां जीसीवी में एक बंद कंटेनर में हमारा चीज हो रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली हीट जो होगी वो इसमें ज्यादा होगी जीसीवी में और एचसीवी में एज कम्पेयर टू एनसीवी और एलसीवी, क्योंकि यह ओपन में हो रहा था। तो ऑब्वियसली जो जीसीवी का वैल्यू है उसमें से हम निकाल देंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को, जो हीट बाहर बह रही थी, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब ये 9 कैसे होता है, एक्चुअली जैसे आप देखोगे जब H2O निकलता है, ठीक है, तो 2 है, तो बेसिकली होता क्या कि जो H है, ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ H गिव्स 9 पार्ट ऑफ H2O, एक हाइड्रोजन के यूज से हमें 9 पार्ट मिलेगा, ऑब्वियसली इसका टोटल 18 है, तो एक 9 पार्ट्स मिलेंगे हमें H2O के, जब 2 पार्ट्स होंगे तब जाके ये 18 पार्ट बनेगा, तो हमने 1 पार्ट के हिसाब से इंटू 9 लिखा है, ठीक है। और ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, ये बाय डिफॉल्ट 587 रहेगी, वरना अगर आपको कहीं कभी भी पेपर में अगर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मेंशन किया है तो आप उसे यूज करना, और अगर कहीं अंटिल एंड अनलेस कहीं भी मेंशन ना हो तो 587 एज अ डिफॉल्ट ले लेना है, ठीक है। और इनका यूनिट क्या रहेगा, इनका यूनिट रहेगा हमेशा किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, इसका भी किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है गाइस। तो अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे, तो जैसे ये दिया है पहला न्यूमेरिकल, तो इसमें क्या दिया है, जीसीवी एंड एनसीवी ऑफ अ वैल्यू विच इज एन अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है, गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, अज्यूम द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 600 कैलोरी। सो देखिए गाइस, बेसिकली जैसा दिया है कि जीसीवी और एलसीवी का वैल्यू फॉर एन अल्टीमेट एनालिसिस किया है तो हमें ये रिजल्ट्स मिले, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर के वैल्यूज दिए परसेंटेज में। अब हमें यहां पे जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, जब तक दिया ना जाए तब तक 587 लेना है, बट यहां पे दिया है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को हमें 600 कैलोरी पर ग्राम लेना है, ठीक है। तो अब हम यहां पे ये अज्यूम करके अब हम हमारा सम करेंगे, तो बेसिकली पहले हम जीसीवी लिखा लेंगे, ठीक है गाइस, तो एक सेकेंड, जीसीवी इज इक्वल टू 1/100, एक सेकेंड गाइस। सो गाइस जैसे मैं लिख रहा था, मार्कर चेंज कर रहा था, सॉरी, तो 1/100 इंटू 80 2/80 कार्बन, सबसे पहले कार्बन, ठीक है, फिर प्लस 3, 4, 5 सीरीज में 20, तो ब्रैकेट में आएगा हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 ऑक्सीजन का, प्लस याद रखिएगा फिर 2 स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन 4, 0 एंड सल्फर, ठीक है। तो ये जैसे हो गया, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/100, तो हमारी अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, कार्बन का कितना दिया परसेंटेज 68.3, ठीक है, प्लस 3, 4, 5, 0, 0 एच, हाइड्रोजन का कितना दिया है 5%, माइनस ऑक्सीजन का कितना दिया है 25.6 अपॉन 8 प्लस 2240, सल्फर का 0.3। सो गाइस इसकी टोटल वैल्यू आएगी, सो गाइस जैसे इसकी मैं बोला था आपको वैल्यू आएगी, मैंने कैल्सियम में कैलकुलेट किया है, आप भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है मेरा कैलकुलेट वैल्यू आ रहा है 6146.36। अब हम इसकी यूनिट क्या डालेंगे, किलो कैलोरी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया पर। तो गाइस ये था जीसीवी, और अब हम फाइंड करेंगे जीसीवी से हमारा एनसीवी, ठीक है। सो एक सेकेंड मैं पेज ले लेता हूं, सो अब जीसीवी आ गया है और अब हम कैलकुलेट करेंगे एनसीवी। तो बेसिकली एनसीवी का फॉर्मूला क्या है, जीसीवी माइनस लेटेंट हीट, तो वो था एक सेकेंड एच बाय 100 इंटू 9 इंटू 5। अभी यहां देखना है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जैसे मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट 587 लेना अगर मेंशन है, बट हमारे केस में मेंशन है, हमारे केस में क्या दिया है
600 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, तो इनटू 600 तो इसकी वैल्यू आएगी, जीसी का वैल्यू क्या है हमारा 6146.36 माइनस एच बाय 100, एच का वैल्यू हमें लिखना है यहाँ पे वो है 5%, तो 5/100 सॉरी गाइस थोड़ी मिस्टेक के लिए आ रहे हैं, इनटू 600 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है। सो गाइस देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था कैल्सी में जीसीवी का वैल्यू है 5876.36 किलो कैलोरी पर केजी, ये याद रखिएगा आप, यूनिट याद रखिएगा। तो ये थी एनसीवी और जीसीवी की वैल्यू ये सम के लिए, ठीक है। तो जैसे ये सम के लिए जीसीवी और एनसीवी कैलकुलेट किया है, मैं आपको अभी आगे दो सम का और दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जैसे मैंने करके बताया हम वैसा स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अभी अगले दो सम्स में आपको बताऊंगा नहीं फॉर्मूला, और ये तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट सम में बता दिया है। तो अब देखिए ये सम में जैसे मैंने लिया है सैंपल ऑफ कोल दिया है कि हमें 76% है नाइट्रोजन इतना, हाइड्रोजन इतना, सल्फर इतना, ऑक्सीजन इतना और ऐश इतना है, ठीक है। तो अब जीसीवी और एचसीवी कैलकुलेट, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें फॉर्मूला जो लिखा है ठीक है वो, फिर अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके हमें जो जीसीवी का आंसर मिलेगा वो ये और किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो ये था जीसीवी, अब इसका एनसीवी देखेंगे, ठीक है, या एलसीवी। तो जीसीवी माइनस एच अपॉन 9 × 587, तो यहाँ पे 587 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था लेटर हीट ऑफ स्टीम हमें कुछ लेना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमें 587 लिया और हमें जीसीवी एलसीवी का वैल्यू मिला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे, ये थोड़ा टफ सम है बट ठीक है, फिर भी किया है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। अब तक तो आपने दो सम देख लिए तो बेसिकली ये भी इजी होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अ कोल ऑफ कंपोजिशन बाय वेट, सबका वेट दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एश, सल्फर, बट आपने एक नोटिस किया हाइड्रोजन गायब है और एनसीवी दिया है हमें, ठीक है। तो अभी इसमें बोला क्या है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और जीसीवी कैलकुलेट करना, तो बेसिकली पहले हम जीसीवी कैलकुलेट करेंगे। तो जीसीवी जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, कैलकुलेट किया, ऑक्सीजन का वेट लेके, हाइड्रोजन वाला टर्म मैंने वैसे ही रखा और ये वैल्यू एक बार वैसे ही रखी, फिर इसको कैलकुलेट करोगे अगर आप आगे के पार्ट में, तो जैसे ये होगा कि ये हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन का वेट, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को एनसीवी में पुट करोगे आप जब, तो ये था जीसीवी माइनस एच अपन 100 × 9 × 587, फिर से बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, बट हमें इस बार एनसीवी का वैल्यू दिया, ठीक है। तो ये जीसीवी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, फिर ये मैंने डायरेक्ट है ना इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करके ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट 52.83, ठीक है। फिर हमने वो वैल्यू को बाहर ली, एच की वैल्यू को एक साइड ली, टोटल वैल्यू को एक साइड ली, फिर डिवाइड किया और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल गया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें मिल गई, तो अभी हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल गई है, तो बचा गया ये यहाँ पे पुट करना। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 725.2625 + 345 × हाइड्रोजन की परसेंटेज, दैट इज 28.065, तो ये टोटल वैल्यू आएगी हमारी जीसीवी की, वो है मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारी जीसीवी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10407.68 किलो कैलोरी पर केजी। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा वीडियो जीसीवी एलसीपी और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे। आगे की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा एलएमटी। थैंक यू।